बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीम शम्सुल हक आपकी खिदमत में बेहतरीन कामयाब और अक्सरी नुस्खे लेकर हाजिर हुआ है। पहले मैंने जो नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश किए हैं वो इंतहाई कामयाब और मुजरब और फ़ायदेमंद। अब जो भी मैं आपकी खिदमत में वीडियो पेश करता हूँ उसमें इंतहाई कामयाब और कम खर्च नुस्खे जो हैं वो बयान करता हूँ। इनसे बहुत ही फ़ायदा होता है, मेरे दोस्त जो है इनसे बहुत से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अब मैं आपकी खिदमत में कान में दर्द का नुस्खा लेकर आया हूँ। तो ये जो है छोटे बच्चे हों या बड़े हों, इनके कान में दर्द हो तो आप ये दवाई बनाकर घर पर रख लें और इसे इस्तेमाल करें तो चंद ही मिनट में इंशाल्लाह ताला बच्चों के दर्द जो है कान के दर्द को दूर कर देता है और बच्चा खेलना शुरू कर देता है और खुश होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एलोवेरा। तो ये आपने देखा हुआ है, आप इससे वाकफ हैं, ये एलोवेरा का पत्ता है, इसे आम जबान में कुआर गंदल बोलते हैं। तो आपने ये एक लेकर इसे कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इसके आगे से आपने काट देना है और इसे आपने फिर गर्म करना शुरू करना है। तो ये जो है एलोवेरा, इसे हमने गर्म करना है। तो इसे ये गर्म करने के लिए ये सिलेंडर हो या चूल्हा हो या कोई कोई चीज़ हो या बिजली वाला हो, आपने इसे गर्म करना है। तो ये इसका आगे वाला हिस्सा जो है ये गर्म करेंगे, ये गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे। जब नीचे वाला हिस्सा गर्म हो जाए फिर ऊपर वाला हिस्सा गर्म करेंगे, इसी तरह गर्म करते जाएंगे। तो ये आपने पहले इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता है, अगर नहीं इस्तेमाल किया तो आप इसके बारे में ये जान लें कि जब इसका छिलका ऊपर से उतारते हैं तो इसमें से लेसदार पानी निकलता है। तो लेसदार पानी जो है वो निकलता है और उसके बाद इसके अंदर से एक जेल निकलती है, वो सफ़ेद रंग की होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये दवाई में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसका ऊपर वाला छिलका ये दवाई में इस्तेमाल नहीं होता। तो जब ये गर्म होकर इसका रंग बदल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है गर्म हो गया है। बाकी इसकी बहुत सारी दवाइयाँ तैयार होती हैं, तो ये हर मर्तबा जो है कभी कभी मैं आपकी खिदमत में ये नई नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज जो मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो है बच्चों के कान का दर्द। जब बच्चे अपना कान मसलते हैं तो पता चलता है कि ये बच्चे का कान जो है दर्द कर रहा है। एलोवेरा का पत्ता, इसे गर्म करने के बाद इसको कपड़े से पकड़कर इसको ज़ोर से दबाया और दबाने से इसके अंदर से जो पानी निकला है वो कतरा कतरा पानी जो है वो नीचे निकला है, तो मैंने इस बर्तन में जो है वो महफूज कर लिया है। मैंने आधे पत्ते का ये पानी निकाला है, आप दो तीन पत्तों का पानी जो है निकाल लें और इसे कपड़े से छान कर ड्रॉपर में डाल लें। घर में किसी भी आदमी के कान में दर्द हो तो आप इस दवाई का एक कतरा कान में डाल दें तो इंशाल्लाह ताला 4-5 मिनट के बाद कान का दर्द अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपने 2-3 दिन इस्तेमाल करवाना है।
तो ये इंतहाई कीमती और तजर्बाशुदा अक्सीरी ये नुस्खा आपकी खिदमत में पेश किया है, तो इसे आप अपने दोस्तों को वीडियो के ज़रिए आगाह करें ताकि वो भी ये वीडियो देखें और उनको दवाई बनाने का तरीका जो है वो भी आ जाए और वो भी बनाए और वो इससे फ़ायदा उठाएं। ये दवाई इंतहाई कोई पैसों के बगैर है, पैसे नहीं लगते, दवाई तैयार हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला इसके अलावा और भी मैं बहुत सारी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप दवाई बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। वस्सलाम।